क्लास 11th प्रोकैरियोटिक सेल टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। प्रोकैरियोटिक्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, आई होप आपने सॉल्व किए होंगे। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स से रिलेटेड मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था आपके लिए। आप वीडियो लेक्चर सेकेंड और थर्ड मेरा देखिए, और वीडियो लेक्चर सेकेंड और थर्ड में मैंने आपको आपके लिए यूकैरियोटिक सेल्स के पार्ट्स के फ्लो चार्ट्स मैंने बनाए थे। मैं कुछ नेम बता रहा हूँ आपको, शायद आपको याद आ जाए। मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स, ऐसे कुछ टर्म्स मैंने यूज किए थे शायद उस फ्लो चार्ट के अंदर। तो वो फ्लो चार्ट आप एक बार वीडियो लेक्चर सेकेंड और थर्ड में जरूर देखेंगे आप, ठीक है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यूकैरियोटिक सेल्स का जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स एक्चुअली में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल्स एक्चुअली में ये प्रोटिस्टस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है और फंगी में प्रेजेंट है। ये मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया। एनसीईआरटी जब आप रीडिंग करेंगे तो एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन यही है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो एक्चुअली में प्रोटिस्टस में, फंगस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में आपको मिलेंगे आपको, ठीक है। अब इस टॉपिक को थोड़ा रिलेट करते हैं क्लासिफिकेशन से। आपने क्लास 9th में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। क्लासिफिकेशन में आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, आर एच विटाकर ने दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटाकर। और इस क्लासिफिकेशन में आपने कुछ नेम पढ़े होंगे किंगडम्स के, लाइक आपने पढ़ा होगा मोनरा किंगडम, आपने पढ़ा होगा प्रोटिस्टम, आपने पढ़ा होगा फंगी, आपने पढ़ा होगा प्लांटी, देन आपने पढ़ा होगा एनिमिलिया। दीज आर द नेम ऑफ किंगडम्स, दीज आर द नेम ऑफ किंगडम्स। टोटल कितने किंगडम्स हैं यहाँ पे, फाइव किंगडम्स हैं, एक्सेप्ट मोनरा। मोनरा को छोड़कर रिमेनिंग जो आपके किंगडम्स हैं, फ्रॉम प्रोटिस्टा टू एनिमिलिया, फ्रॉम प्रोटिस्टा टू एनिमिलिया, इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करेंगे वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल होंगे वो कौन से सेल होंगे, वो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। तो ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। ये जो भी किंगडम्स हैं, इन किंगडम्स के जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स में जो पर्टिकुलर सेल होगा वो कौन सा सेल होगा, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एक और भी स्पेशल पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, प्रोटिस्टा को छोड़कर, ठीक है, रिमेनिंग फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया, ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वेयर एज प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं। इवन आपका मोनरा भी क्या है, मोनरा के मेंबर्स भी यूनिसेलर ही है, ठीक है। तो ये भी लाइन आपको याद करनी चाहिए, बिकॉज ये आपको क्लासिफिकेशन में यह लाइन फिर से मिलेगी। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स यूनिसेलर वाले हैं, ठीक है। फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया जो है, ये जो भी इनके मेंबर्स होंगे ये मल्टीसेलर वाले मेंबर्स होंगे, ये याद होना चाहिए आपको। और ये प्रोटिस्टा से लेकर और एनिमिलिया तक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पर्टिकुलर सेल है वो सेल कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन था, मैंने कोरिलेट कर दिया क्लासिफिकेशन से। अब आते हैं हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट लाइन पे। एनसीईआरटी ने ये बोला है कि जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि यूकैरियोट्स में कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, और कंपार्टमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस बोथ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में जब स्टडी करेंगे आप, तो प्रोकैरियोट्स में आपको ओनली क्या मिलेगा, आपको नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स मिलेगा, लाइक राइबोसोम्स मिलेगा, और मैंने आपको डिटेल बताया भी था। प्रोकैरियोट ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है, और मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था कि जो भी प्रोकैरियोट्स होता है इसमें ओनली क्या मिलेंगे, आपको नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे, और यूकैरियोट्स में आपको मेम्ब्रेनस एज वेल एज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स दोनों मिलेंगे, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है यही कंपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप कभी सेल का डायग्राम देखेंगे तो सेल के डायग्राम में आपको मिलेगा क्या, कि न्यूक्लियस मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, प्लास्टिड मिलेगा, लाइसोसोम्स मिलेंगे। ये जो भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें आपको मेम्ब्रेन्स आपको मिलेंगे, और मेम्ब्रेन्स सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है।
सिंगल और डबल से हमारा कोई मीनिंग नहीं निकलता है, हमको सिर्फ ये समझना है कि मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, तो यही मेम्ब्रेन क्या है, कंपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मिलेगा आपको एक लाइन, एनसीईआरटी बोलता है कि हैव एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब कि साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है यूकैरियोट्स में, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस सेलोग्नस प्रेजेंट है। ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस सेलोग्नस प्रेजेंट है, और यही मेम्ब्रेनस कंपार्टमेंट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा, उस साइटोप्लाज्म में जो कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वो कंपार्टमेंट जो है किसके थ्रू बन रहे हैं, वो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए ध्यान से कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है हमेशा कहां पे होगा, यूकैरियोट्स में होगा। प्रोकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में उसके जगह पे क्या होगा, न्यूक्लियाइड होगा। आपको मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए, कंपेयर करते रहिए। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के प्लेस में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियाइड होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियाइड मैंने लिखा है, ये न्यूक्लियाइड जो है ये प्रोकैरियोट्स में इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, वेयर एज इन यूकैरियोट्स में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मिलेगा। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप होगा। न्यूक्लियर इन्वेलप का मीनिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे के लेक्चर जब मैं आपको बताऊंगा, न्यूक्लियस आपको बताऊंगा, तो वहां पे आपको न्यूक्लियर इन्वेलप समझाऊंगा, आपको डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट्स में है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, अभी थोड़ा वेट करना होगा, वन बाय वन हम टॉपिक को हम आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए आप। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, लाइक आपका कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी आपको मिलेगा यूकैरियोट्स में। देन आपको मिलेगा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर मिलेगा। देन आपको मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल को आप क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूं। मैं सबसे पहले हम बताते हैं कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बारे में। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली में क्या है, ये मोटाइल ऑर्गन है, मोटाइल पार्ट्स है। आपको मैंने बताया भी था कि यूकैरियोट्स में भी क्या होंगे, फ्लैजला होंगे, और फ्लैजला क्या होते हैं, लोकोमोटरी पार्ट होते हैं या मोटाइल पार्ट होते हैं, जिससे क्या होता है यूकैरियोटिक सेल्स अपना प्लेस चेंज करता है। ठीक है, फ्लैजला यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ का जो यूकैरियोट का जो फ्लैजला होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है यूकैरियोटिक फ्लैजला का, ये आपको दिमाग में रखना होगा। मैं आगे जब मैं सेपरेट फ्लैजला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं अच्छे से कंपेयर करने वाला हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजला है और यूकैरियोटिक फ्लैजला है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं डिटेल वहां बताऊंगा। बट यहाँ पे ओवरव्यू के फॉर्म में आप समझ लीजिए कि जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट का जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लैजला है, और ये जो फ्लैजला है इसका ऑर्गेनाइजेशन और इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है। देन इसके बाद आते हैं किस पे, साइटोस्केलेटन पे आते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है ये सेल का एक तरीके से सेल के शेप का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने बहुत सारे सेल के शेप पढ़े होंगे, लाइक आपने पढ़ा होगा क्यूबॉइडल शेप, लाइक आपने कॉलमुलर शेप पढ़ा होगा, आपने ओवल शेप पढ़ा होगा, सर्कुलर पढ़ा होगा आपने, ऐसे डिफरेंट शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो शेप है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेप के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है शेप के लिए। एक्चुअली मैं ये पॉइंट्स अभी बता नहीं सकता हूँ आपको, ये आगे मैं पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि टाइम आने पर हर चीज समझ में आता है आपको। तो
आपको सिंपली ये जानना है कि जो साइटोस्केलेटन है वो यूकैरियोटिक सेल के शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल है इसका साइटोस्केलेटन भी स्पेशल होता है, यूनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका ऑर्गेनाइज जेनेटिक मटेरियल पे। तो आपको बता दूं कि यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज है। जैसे न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज है, सिमिलरली जेनेटिक मटेरियल भी ऑर्गेनाइज है, और ऑर्गेनाइज होके किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे। इसका डिटेल मैं आगे बताऊंगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको नए मिल रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, बट टाइम आने पर मैं इसको डिटेल करूंगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स। इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं इसकी लिस्ट बनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब कि जो भी आपको यूकैरियोटिक सेल्स प्रोटिस्टा में, फंगस में, एनिमिलिया में, प्लांटी में मिलेंगे, ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये थोड़े बहुत एक दूसरे से वेरिएबल होंगे। ठीक है, और वेरिएबल हैं, बट हमको कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, हमको प्लांट और एनिमल पर फोकस करना है, सो दैट हम प्लांट और एनिमल का एक डिफरेंस आपके सामने बोर्ड पे मैंने मेंशन किया है, उस डिफरेंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिड के बारे में। आपको पता है कि प्लास्टिड जो है ओनली प्लांट्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, और प्लास्टिड अगर टर्म नहीं सुना भी होगा तो क्लोरोप्लास्ट सुना होगा, ल्यूकोप्लास्ट सुना होगा, क्रोमोप्लास्ट सुना होगा। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड। मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आपने सुना होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, देन क्रोमोप्लास्ट सुना होगा आपने, देन आपने ल्यूकोप्लास्ट सुना होगा, दीज आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो ये जो है क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको, ये ओनली कहाँ पे है, आपके प्लांट्स में है, एनिमल्स में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, एनिमल्स में आपको पता है ना कि एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, और ऑटोट्रॉपिक के लिए उसको क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिड है। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स को, और आपको पहले से भी पता है ऑलरेडी कि सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, ठीक है ना, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट बताऊँ आपको कि सेल वॉल जो होते हैं ये फंगस में भी प्रेजेंट होंगे, देन आपको बैक्टीरिया में, आपको मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होते हैं, और प्लांट्स में आपके सामने मैंने मेंशन किया। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट सेल वॉल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट आते हैं आप वैक्यूल्स को लेकर। ठीक है, प्लांट्स जब ही मैच्योर होता है, मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, ये लाइन ध्यान दीजिएगा। यूजुअली स्टूडेंट समझते हैं कि कोई भी प्लांट सेल उठाया, चाहे वो इमैच्योर है या मैच्योर है, उसमें सेंट्रल वैक्यूल्स होगा और लार्ज होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी कोई प्लांट सेल्स इमैच्योर होता है तो उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और न्यूमरस होते हैं, बट जैसे जैसे वो प्लांट सेल्स मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद उसमें सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल वैक्यूल्स जो है वो एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। एनिमल्स में एब्सेंट होगा सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स, इसमें क्या होगा, स्मॉल न्यूमरस वैक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जब भी ग्लूकोज एक्सेस हो जाता है तो वो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। आपने राइस पढ़ा है, राइस, बीट, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स पढ़ा है, इन दोनों में क्या होता है, एक्चुअली में स्टार्च होता है। ठीक है, और ये एक्सेस ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, बट एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल जब आप स्टडी करेंगे तो एनिमल में आपको एक्सेस ग्लूकोज किस फॉर्म में मिलेगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में मिलेगा, और ये एक्चुअली में कहाँ होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में होता है, लीवर, जिसको बोलते हैं लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक
ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये प्लांट्स में एबसेंट होते हैं, डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स, डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स आपको मिलेगा, प्रॉपर सेंट्रियोल्स मिलेगा। ओके, देन आते हैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। कोलेस्ट्रॉल जो है आपको प्लांट सेल्स के मेम्ब्रेन में नहीं मिलेंगे। आपने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म या टॉपिक आपने थोड़ा बहुत नाइन्थ में पढ़ा होगा, और एक्चुअली क्या होता है मोस्टली सेल्स के लिए बाउंड्री वॉल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट प्लांट बैक्टीरिया एंड फंगस। फंगस प्लांट और बैक्टीरिया को छोड़कर जो भी आपको सेल्स मिलेंगे उसमें आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट का जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का स्टेरॉल मिलेगा जो आपको आगे के क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। बट एनिमल्स में आएंगे, जब एनिमल का मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा आपको। सो दैट यहाँ पे मैंने नोट क्या किया है, हैव अ कोलेस्ट्रॉल इन सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस है, माइन्यूट फाइन डिफरेंसेस है, बट हमको वो डिफरेंसेस नहीं जानना है, ये हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है ना। एक और डिफरेंस आप यूजुअली जान सकते हैं वो क्या है कि प्लांट का जो सेल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, उनके शेप, ठीक है, उनकी शेप जो है फिक्स होंगे। बट आप एनिमल्स में जाएंगे तो थोड़ा वेरिएबल है। आप ह्यूमन का केस लेंगे तो ह्यूमन के केस में क्या होता है कि 200 टाइप्स के सेल्स हैं और सबके अलग अलग क्या है, शेप है, साइज है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ठीक है। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का सेकंड जो नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड जो नेम है वो प्लाज्मा लेमा। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी के बाद स्टार्ट हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जो है 1950 में हुआ, और 1950 में होने के बाद से केमिकल स्टडीज सेल मेम्ब्रेन का स्टार्ट हो गया। केमिकल स्टडीज स्पेशली किसका स्टार्ट हुआ, आरबीसी का स्टार्ट हुआ। आरबीसी मींस रेड ब्लड कॉर्पस्किल्स आर एरिथ्रोसाइट्स, आप जानते होंगे आरबीसी, सब स्टूडेंट जानते हैं। तो ये जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है इसकी केमिकल स्टडीज स्टार्ट हो गई। बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, स्टडी करके और मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया, और बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग स्ट्रक्चर का मॉडल प्रिपेयर किया, और मॉडल कुछ इस तरीके से आपके सामने है। सबसे पहले जो मॉडल आया था सेल मेम्ब्रेन का, वो उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, ओवरटन मॉडल बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन का। देन सेकेंड आपका सैंडविच मॉडल है, थर्ड आपका क्या है, रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, देन आपका लास्ट में क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये ध्यान से आपको नोट कर लेना चाहिए, आई थिंक एटलीस्ट आपको नेम तो याद होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल थे, मॉलिकुलर मॉडल थे सेल मेम्ब्रेन के, और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा था, और सबसे मॉडर्न और एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा था। ओल्ड है आपका ओवरटन मॉडल, और जो अभी करंट में एक्सेप्टेबल वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सेंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ठीक है। तो हम आगे फर्दर डिटेल करने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, ठीक है। इसके लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्ट एक्सेप्टेबल जो स्ट्रक्चर था वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है गिवन बाई सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ये आपको लाइन याद करनी होगी, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 एनसीईआरटी की लाइन है। और ये जो सामने आपके डायग्राम दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम का ये जो साइड है ये है आउटर साइड, दैट मींस कि ये वाला साइड, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ,
आउटसाइड, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये इनसाइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में मैंने आपको फोर मॉडल्स बताए आपको, उसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में दिया गया था, और किसने दिया था ये मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, ये लर्न होना चाहिए, ये लाइन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ठीक है। और ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये एक्चुअली में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है, और ये जो पार्ट है ये ही एक्चुअली में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या आएंगे, जिसको आप मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे, मैं आपके सामने लिपिड नेम बताऊंगा, प्रोटीन्स बताऊंगा और कार्बोहाइड्रेट बताऊंगा। लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो है यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। सो दैट ये जो मॉडल होगा वो क्या होगा, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और वो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन का होगा। ये जो मैंने मेम्ब्रेन बना रखा है ये एक सेल से मैंने लिया है, एक सेल का मैंने एक पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट मैंने रखा है सेल का, ये जो है आउटर साइड है और सेल का ये इनर साइड है। सो दैट यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि इस मेम्ब्रेन का ये आउटर साइड मैंने मेंशन किया है और ये हमारा इनर साइड है, ठीक है। तो आपको डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो कि मेम्ब्रेन का कौन सा आउटर साइड है और कौन सा इनर साइड है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दैट मैंने इसको यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करके डायग्राम को बना रखा है। वैसे मैं बताऊं कि आउटर साइड को फाइंड करने का जो सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं डायग्राम, ये वाले डायग्राम्स, ये एक्चुअली में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, दीज आर द शुगर मॉलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। और ये जो होंगे ये असाइन करते हैं कि ये जो सरफेस होगा आपका क्या होगा, आउटर सरफेस होगा। शुगर ही क्या है, एक इंडिकेशन है आउटर सरफेस का, और जब आप इनर साइड में देखेंगे तो इनर साइड में आपको शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर मॉइटीज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, और एक्चुअल में होता है ओलिगोसैकेराइड्स। जो एग्जैक्ट आप हायर एमबीबीएस या आप एमएससी वगैरह के क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो जो एग्जैक्ट नेम है इस शुगर का वो है ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। वैसे हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी में शुगर मेंशन किया है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट, ये दो टर्म्स आपको याद होना चाहिए। जिधर शुगर और कार्बोहाइड्रेट होगा मेम्ब्रेन के सरफेस पे, वो सरफेस आउटर सरफेस होगा, और इसके अपोजिट क्या होता है, इनर सरफेस होता है। तो ये आपका डायग्राम का सबसे पहला पॉइंट हो गया। इस डायग्राम में आपको मिलेगा लिपिड्स, लिपिड्स के दो लेयर मिलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपका लिपिड का फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ लिपिड है ये, ठीक है, और ये आपका सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर ऑफ लिपिड है, ठीक है। और जब आप दो लेयर आपको दिख रहा है तो इसको वन वर्ड्स में आप बोल सकते हैं, वन वर्ड्स में क्या बोलेंगे, लिपिड बाई लेयर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिपिड बाई लेयर। सेंटेंस क्या बनेगा आपका, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट लिपिड बाई लेयर, ठीक है। ये जो आपका ब्लू, जो मैंने ब्लू मार्कर से जो बना रखा है, ये एक्चुअली में क्या है आपका, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इसको मैं बाहर करके बनाता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए ये क्या है आपका, लिपिड मॉलिक्यूल्स है। लिपिड मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट है, एक पार्ट आपका पोलर है, और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक्चुअली क्या है वो, हाइड्रोकार्बन्स हैं। डिटेल आप पढ़ेंगे तो ये एक्चुअली क्या है, फैटी एसिड है, आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसको हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलेंगे, यहाँ पर इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में फैटी एसिड बोलेंगे। और ये जो पोलर है ये क्या होता है, फॉस्फेट है, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और आपको पता है कि फॉस्फेट पे क्या होता है, चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। हमको नेगेटिव नहीं लर्न करना है, यहाँ पे सिंपली लर्न करना है कि फॉस्फेट पे चार्ज है, और चार्ज है तो सो दैट उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बोलेंगे। अगर चार्ज नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको,
नॉन पोलर बोलेंगे। जिस पार्ट में चार्ज नहीं है वो नॉन पोलर है, जिसमें चार्ज है वो क्या है, पोलर है। ठीक है, अब इसकी पोजीशंस की बात करते हैं। जो पोलर होते हैं एक्चुअली में ये कहाँ होते हैं, आउटसाइड में होते हैं। कहाँ पे होंगे, आउटसाइड में होंगे, और ये वाटर से या एक्वस एक्वस मीडियम से इंटरैक्ट होंगे। ठीक है ना, जो पोलर पार्ट होगा इंटरैक्ट होगा किससे, वाटर से, वाटर और एक्वस मीडियम से इंटरैक्ट होगा। और जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो अवे फ्रॉम वाटर होगा। ये क्या होगा, अवे फ्रॉम वाटर होगा, मतलब वाटर से प्रोटेक्टेड होगा, वाटर प्रोटेक्टेड होगा। एनसीईआरटी ने प्रोटेक्टेड लिखा है तो हम भी क्या लिखेंगे, प्रोटेक्टेड। आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से। ये जो पार्ट है आपका, ये वाले पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये क्या है, ये इनर साइड में है, कोर साइड में है, और यहाँ पे आपको वाटर नहीं मिलेगा। वाटर कहाँ मिलेगा, इस सरफेस पे मिलेगा वाटर, और इस सरफेस पे आपको वाटर मिलेगा। सो दैट हम बोलते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के इंटरेक्शन में है। पोलर ये भी है, पोलर ये भी है, पोलर ये भी है, पोलर ये भी है, बट ये वाले जो पार्ट है ये क्या है, नॉन पोलर है। तो ये जो पार्ट है ये वाटर से दूर होगा, वाटर से प्रोटेक्टेड होगा। ये लाइन आपको लर्न करनी है, अच्छे से लर्न करनी है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया, कुछ मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के कुछ पॉइंट्स बताए आपको, ये ध्यान से देखिएगा। अभी तक मैंने आपको लिपिड को बताया है, अभी और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको बताऊंगा कि लिपिड के बाद और भी क्या होते हैं। मैं अभी बता देता हूं आपको, लिपिड के बाद आपको बहुत सारे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि इसमें प्रोटीन्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपका क्या है, प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है, ये भी क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ये जो प्रोटीन दिख रहा है ये जो है फुली एम्बेडेड है। ये क्या है, फुली एम्बेडेड है, तो इसको हम नेम क्या देंगे, इंट्रेंसिक देंगे, इंट्रेंसिक आर इंटीग्रल प्रोटीन्स इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंट्रेंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो आपका प्रोटीन है ये क्या है, आपका पेरिफेरल है। ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है। ठीक है, पेरिफेरल का दूसरा नेम बनेगा आपका एक्सट्रेंसिक बनेगा। क्या बनेगा आपका, एक्सट्रेंसिक बनेगा आपका, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे जो लाइंस में बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना होगा आपको। ये जो फुली एम्बेडेड है ये और ये क्या है, इंट्रेंसिक प्रोटीन है। ठीक है, और इंट्रेंसिक प्रोटीन का सेकेंड नेम क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है। और ये आपका क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, और पेरिफेरल का सेकेंड नेम होगा एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। ठीक है, एनसीईआरटी ये बोलता है कि जो इंट्रेंसिक प्रोटीन है ये पार्शियली एम्बेडेड भी होता है और फुली एम्बेडेड भी होता है, दोनों होता है। ये थोड़ा डाउट वाली लाइन है, इस पर बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी है। हायर क्लासेस में ये चीज नहीं है, हायर क्लासेस में क्या है कि इंट्रेंसिक प्रोटीन जो है फुली एम्बेडेड है। क्या है, फुली एम्बेडेड है। ठीक है, बट एनसीईआरटी बोलता है कि ये फुली भी है और पार्शियल भी है, फुली एम्बेडेड भी है और पार्शियल है। वेयर एज पेरिफेरल प्रोटीन्स, दिस वन पेरिफेरल प्रोटीन्स इज अ पार्शियली एम्बेडेड, इज अ पार्शियली एम्बेडेड। ये लाइन आपको ध्यान देनी होगी। तो आपको ये तो पता चल गया कि लिपिड के बाद अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, प्रोटीन है। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटीन है। देन अब तीसरा मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तीसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट, जिसको शुगर बोला था मैंने, यही शुगर जो है थर्ड जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है। तो सो दैट आपका जो टोटल जो आपका मॉलिक्यूल्स है इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में वो क्या है, लिपिड है, लिपिड की बाई लेयर है। देन आपका प्रोटीन है, प्रोटीन क्लासिफाई किया गया है उनके पोजीशन के बेसिस पे, इंट्रेंसिक प्रोटीन्स और एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स। और आउटर सरफेस पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ये जो भी कंपोनेंट्स हैं लिपिड प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स जो है ये वैरी करते हैं, सेल टू सेल भी वैरी करेंगे ये। ठीक है ना, इनका जो रेशियो फिक्स नहीं है, किसी में परसेंटेज कुछ है, किसी में परसेंटेज कुछ है, ये आपको लेके चलना होगा। ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के परसेंटेज को लेकर एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में। वो एग्जांपल क्या है आपका, ह्यूमन आरबीसी का है। ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन है,
40% लिपिड्स है और 8% शुगर है, ये आपको लर्न करना है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको एज इट इज लर्न करना है। दूसरा एक पॉइंट जो मैं आज छोड़ रहा था, उसको ध्यान से सुनिए आप, जब आप पेरिफेरल और एंट्रेंसिंग प्रोटीन्स को आप किसी भी मेथड से इसको जब सेपरेट करते हैं मेम्ब्रेन से, तो सबसे इजीली कौन सेपरेट होता है आपका, पेरिफेरल प्रोटीन्स इजीली सेपरेट हो जाता है क्योंकि ये पार्शियली बरीड होता है, ठीक है, बट ये जो होता है ये पार्शियली भी होता है और टोटली भी होता है। तो ये चीज ध्यान देना होगा कि जब इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, इसको हम प्रोटीन्स को निकालेंगे, तो टफ होगा किसको निकालना है, इंट्रेंसिक प्रोटीन को, एक्सट्रेंसिक इजिली जो है ये निकल जाएंगे, ठीक है। ये जो है आपके इस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लिपिड का प्रेजेंस होना, ठीक है। लिपिड का प्रेजेंस जो है वो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को डिफरेंट तरीके से वो मैनेज करता है, ठीक है। और इसीलिए जब आप मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को लेकर डिस्कशन लिखते हैं या आप डिस्क्राइब करते हैं, तो वहां पे आप लिखते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये लाइन ध्यान से सुनना होगा आपको, जो मेम्ब्रेन होती है वो मॉलिक्यूल्स के या सॉल्यूट्स को लेकर उसको क्या बोलते हैं कि ये सेमी परमेबल है। इसका मीनिंग ये है कि सर्टन मॉलिक्यूल्स को ये मेम्ब्रेन जो है आउट से इन या इन से आउट साइड में ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कुछ दैट मीन्स कि सर्टन ऐसे भी होंगे जिसको नहीं कर सकता है, ठीक है। कुछ को कर सकता है और कुछ को नहीं कर सकता है, वो इसलिए क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में स्पेशली जो आपका लिपिड और प्रोटीन्स है, ये डिसाइड करेगा कि कौन मॉलिक्यूल्स कैसे जाएगा, किस मेथड से जाएगा, और उसको किसको इजिली ट्रांसपोर्ट करना है और किसको जो है इजिली नहीं करना है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आने वाले आपके लेक्चर्स में मिलेंगे। और देन जो है आपको बता दूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है स्ट्रक्चर जो है आपका यूनिक है, इसका जो रोल है ये ग्रोथ में भी है, और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें हम मुझे टाइम देना होगा, ठीक है। आप थोड़ा लेक्चर्स को रिविजन करते रहिए प्रीवियस वीडियोस को देखकर, क्योंकि अब लेक्चर आपका डे बाय डे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और टफ होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।